और तुम वही सा जो सॉन्ग है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? आज बस रोमांटिक सॉन्ग है और इन्होंने गाए हैं इसमें आगे लुक सेंटर। हेलो, हाँ सर, सेंटर देखिए। हाँ, ये रोमांटिक सॉन्ग हमारे प्रिय सिंगर ने अच्छे आवाज़ में फर्स्ट टाइम गाना गाए हैं, तो उनके हिसाब से मैं अभी इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी रखा गया है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने इस गाने को बहुत अच्छे तरीके से गाया है जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे मित्र अयाज कोहली, इन्होंने गाना लिखा है। उनको मैंने बोला कि मुझे इस तरह का गाना लिख के चाहिए, मेरी जो फीलिंग है, तो उन्होंने उस पर तुरंत ही एक बहुत बढ़िया सा गाना लिख के दे दिया। तो मैंने धर्मेंद्र जी को भेजा और ये गाना अच्छे से बन के आ गया। और ये थोड़ा दिल से निकला हुआ गाना है, तो गाने के लिए ईजी रह गया। इतनी सुंदर लिरिक्स लिखी गई थी इसमें, तो उसके लिए भी गाना ईजी रहा। और बाकी जो बाद में तो धर्मेंद्र और उनके प्रोडक्शन ने बहुत अच्छा गाना बनाया, अच्छे लोकेशन पे शूट किया, तो जो कुल मिला के सामने आया है, ये उससे देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस सॉन्ग। आया जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि बहुत अच्छे तरीके इस गाने को आपने लिखा है, तो मतलब कितनी मेहनत या किस तरह कितना वक्त लगा इस गाने को लिखने के लिए? सी व्हाट हैपेंस के विजय भाई हमारे, ये तो इनका पहली बार इन्होंने ये डेब्यू किया अपना ऐसे प्रोफेशनल सिंगिंग के तौर पे। बट अदर देन दैट ये हमेशा गाते थे, हम कभी भी कोई पार्टीज़ करते थे या आपस में जब भी ऐसे बातचीत करते थे, बैठते थे, तो ही वुड ऑलवेज सिंग ब्यूटीफुली एंड आई वुड अप्रिशिएट हिज वॉइस ऑल द टाइम। और मैं हमेशा मतलब इनकी आवाज़ सुन के मैं कॉम्प्लीमेंट करता था, हम भी गाते थे, लेकिन इनका जो पैशन था वो नेक्स्ट लेवल का था। सो इन्होंने एक दिन ही केम अप विद दिस आइडिया के दैट वाई शुडंट आई सिंग अ सॉन्ग एंड वी रिकॉर्ड इट एंड वी गेट इट शॉट प्रोफेशनली एंड वी रिलीज इट। तो इन्होंने मुझे बोला कि मुझे इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए कि मतलब मैं जो एक ऐसा एक्सप्रेस करना चाहूँगा। सो बिकॉज ये हमेशा गुनगुनाते थे इस चीज़ को और एक गाते रहते थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई वॉज इंटरेक्टिंग विद हिम। सो देन आई केम अप विद दिस आइडिया दैट जो लिरिक्स जो आए हैं, गुनगुनाता रहा हूँ सदा में जिसे, तुम वही गीत हो, तुम वही सांस हो। सो और लेकिन जो इन्होंने जो गाया और जैसे मैंने जब लिख के दिया था उसमें, यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ यू नो मेकिंग एन एल्बम, देयर इज़ अ लॉट नीड्स टू बी डन। तो जो बन के आया है और जब जो धर्मेंद्र रॉय जी ने जो बनाया, रियली रियली इम्प्रेस्ड विद इट। और जैसा गाया है इन्होंने हर चीज़, आई एम सो सो इम्प्रेस्ड विद द वे इट हैज़ कम आउट, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। धर्मेंद्र, लोकेशन की बात करें तो लोकेशन भी बहुत अच्छा है उसमें और अलग अलग तरीके के लोकेशन है, तो कितनी मेहनत किस तरीके से मतलब वहाँ पे गाने में शूट करने का वक्त लगा? जब गाना हमारा बन के आया उसके बाद हम लोकेशन के लिए मुंबई के बहुत सारे लोकेशन मंगवाया, एक भी लोकेशन, हाँ जी, तो एक भी लोकेशन हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने किसी फ्रेंड ने मेरे को बताया जो आप शिलोंग करो, आपके गाने के हिसाब से वहाँ का लोकेशन फिट बैठ रहा है। फिर मैं यहाँ से शिलोंग गया, लोकेशन देखा, फिर उसके बाद इसको वहाँ पे शूट किया। हाँ, इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि जब म्यूज़िक बन के आया, गाना बन के आया, तो उन्होंने बोला कि काफ़ी रिच है, शांतनु दत्ता ने बहुत सुंदर इसमें बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है, नया म्यूज़िक दिया था, तो इन्होंने बोला कि इसको अच्छा शूट करते हैं। तो ये मेघालय गए और शिलोंग और डाउकी और बारापानी लेक में उन्होंने शूटिंग किया, तो एक अच्छा उभर के आया गाना। एंड टू दैट आई मस्ट ऐड के जो जिस तरीके से गाने के बोल हैं, जिस तरीके से आपने गाया है, जैसा म्यूज़िक बना है, तो जो लोकेशन है इसने परफेक्ट जस्टिफाई किया, कॉम्प्लीमेंट किया पूरे सॉन्ग को। सो वंडरफुल लोकेशन। धर्मन जी, और आगे क्या मतलब इसके अलावा भी कोई प्रोजेक्ट है या इसके अलावा क्या कुछ आपने तैयारी की है, क्या नेक्स्ट टाइम ऑडियंस को क्या सुनने मिलेगा? नेक्स्ट इसके बाद इस सॉन्ग का जो पार्ट टू है, जो टू बी कंटिन्यू मैंने जिसमें दिखाया है, वो नेक्स्ट जल्दी ही आएगा। और इसके बाद कुछ और भी म्यूजिक वीडियो है, कुछ मूवी है, तो ये सब प्लानिंग चल रहा है, तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा अभी तो। मतलब हमें ये समझ जाए कि पार्टी जैसे आज यहाँ पे पार्टी हो रही है, हमेशा हमको पार्टी मिलती रहेगी। बिल्कुल कंटिन्यू हर मंथ आपको पार्टी मिलेगा और आप ही लोगों के कारण हम हाईलाइट होंगे, क्योंकि मीडिया जिसको चाहे उसको उठा सकता है। डमरू की शुरुआत कैसे हुई और उस डमरू के बारे में बताएं? डमरू जैसे मैंने बहुत सारे गाना पहले भी बनाया है, हर चैनल से गाना रिलीज किया, उसके बाद मैं सोच रहा था अपना खुद का एक चैनल डालूं, क्योंकि मैं म्यूजिक थोड़ा ज़्यादा लाइक करता हूं, तो फिर मैंने म्यूजिक चैनल डमरू का ओपनिंग किया और उसके बाद कंटिन्यू गाना आ रहा है।
कास्टिंग कैसी हुई इस गाने का, उसके बारे में थोड़ा? हाँ, इस गाने की कास्टिंग, गाना जब फाइनल हुआ उसके बाद हमने बहुत सारा 50-60 मॉडल को देखा, लेकिन कोई भी समझ में नहीं आ रही थी। तो एक जस्ट किसी के थ्रू ही, एक कास्टिंग वाले के थ्रू मेरे को मॉडल का फोटो भेजा, फिर मैंने देखा, फिर उससे मीटिंग किया। तो वो ऑलरेडी 2-3 प्रोजेक्ट कर चुकी है, लेकिन फर्स्ट हमारे प्रोजेक्ट से हम उनको एज ए डेब्यू कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए, गाने में हम लोगों ने देखा, बल्कि कहते हैं ना कि बल्कि आंखें ही नहीं बल्कि सांसें भी थम गई थी आपका गाना देख के, बड़ी खुशी हुई। पहला आपका ओपिनियन क्या है इस गाने को लेकर और कितने एक्साइटेड है इस गाने को लेकर? जी तो मुझे आज भी याद है कि हम जब वहाँ गए थे, वो प्लेस इतनी खूबसूरत, जैसे आपने वीडियो में भी देखा होगा कि वो वीडियो में जहाँ हमने एक एक बारीकी से काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पे शूट किया, और मैं काफ़ी बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि कब ये म्यूज़िक वीडियो लॉन्च होगा। एंड शुक्रिया। कितना एंजॉय किया आपने शूट के दौरान, और कोई स्टार का कितना ऑपरेशन रहा, क्या किया? शूट के दौरान काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, लेकिन एक सबसे बेस्ट पार्ट है कि धर्मेंद्र जी काफ़ी अच्छे को एक्टर रहे, वो डायरेक्टर के साथ साथ काफ़ी अच्छे को एक्टर है, क्योंकि ये काफ़ी हर एक चीज़ की बारीकी से ध्यान रखते थे, चाहे वो टीम वर्क हो या एज अ को एक्टर वर्क हो, हर एक चीज़ का उन्होंने काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा। धर्मेंद्र जी आपका कैसा रहा कृतिका के साथ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, तो स्वीट बच्चे की तरह है। तो जब हम काम की तरह लगा ही नहीं जो कोई हीरोइन है या कोई एक्ट्रेस है, एकदम फैमिलियर। तो हम लोग शूट भी कर रहे तो ऐसा लग रहा था पिकनिक बना रहे हैं, कोई शूट नहीं था। और रियल में हम वहाँ पे ऐसा नहीं पेपराबाजी होता, लोग ये ड्रामा वो ड्रामा कुछ नहीं, हम लोग सिंपल तरीके से शूट किए। और जो भी हम लोकेशन पे शूट किए हैं पूरा टूरिस्ट पैलेस है, तो वहाँ पे ऑलरेडी क्राउड पहले से रहता था, तो वहाँ पे वो सभी देखते हुए हमको शूट करना था। कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे कृतिका शूट के दौरान? वैसे तो काफ़ी सारे मेमोरीज हैं, लेकिन एक मेमोरीज जैसे आपने कहा जो मुझे तुरंत याद आई है, वो ये है कि हमारा एक नाइट में सीन था, और उस दिन काफ़ी 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 ज़्यादा ठंड थी, इतनी ठंड थी कि हमने मतलब हमने ऐसे कर लिया, हमने आग जला ली थी, वो सीन का एक पार्ट था। तो उस दिन क्या हुआ, इतनी ठंड में भी हमने वो सीन के पार्ट में फायर बॉन्डिंग की, वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट सीन है, आपने शायद देखा भी होगा। इसके अलावा और क्या कृतिका कर रही हैं, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? ओके, सो मैं एक प्रोफेशनल मॉडल एंड एक्टर हूँ, इसके साथ साथ मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल स्टडीज। यस, तो किसकी सर्जरी करने वाली हैं अभी इसके बाद? मैं तो हमेशा प्रे करूंगी कि मैं मतलब कभी किसी की सर्जरी ना करूं, हर कोई नहीं, हमेशा हेल्दी रहे। सर्जरी हमने सेट पे बहुत सर्जरी की और लेकिन अभी तक वो सर्जरी काम कर गया, ठीक है। तो हम ये उम्मीद करें कि ये जोड़ी फिर भी अगले भी कुछ प्रोजेक्ट में दिखने वाली है, उसके लिए आपको ट्रैक रखना होगा कि हम नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जी जल्दी ही, हाँ राज हम खोल रहे हैं, क्योंकि इसका टू बी कंटिन्यू पार्ट टू है, जिसमें कृतिका ही है, और ये सॉन्ग के बाद आफ्टर वन मंथ हम वो सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं, तो उसमें एक अलग रूप देखने को मिलेगा हम लोगों को। इसमें जो स्टोरी है हमारा, हम एक केमिस्ट्री बनाने में टाइम लगा, जैसे केमिस्ट्री बनता है हम लोगों का, एक बॉन्डिंग बनता है, वहाँ पर मैंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है, नेक्स्ट में हमारा हम बाउंड्री क्रॉस करेंगे। ओके, कृतिका कुछ अपील करना चाहेंगी, गाना आपका आ रहा है और लोग देखें प्लस प्यार करें, क्या कहना चाहेंगे? यस, सो ये मेरी 2022 की सबसे पहली सॉन्ग है, एंड आई रियली विश यू ऑल टू यू नो, आप देखें ये सॉन्ग और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लग रहा है, ये काफ़ी कनेक्टिव है, आई एम वेरी श्योर जिन्होंने जो गाया कि हमारे सॉन्ग की उनकी भी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सभी बहुत रिलेट कर पाएंगे इस सॉन्ग को। तो येस, इट्स माई हार्टली यू नो विश दैट यू ऑल प्लीज वॉच इट, गो लाइक कमेंट एंड लेट मी नो वेदर यू लाइक इट। बिल्कुल, आप लोग भी देखिए, गाना का खूबसूरत लोकेशन है, इतना प्यारा सॉन्ग है, उसमें प्यारी सी लड़की है, तो आप हमें नहीं देखिए, इनके कारण जरूर देखिए, लेकिन ठीक है। थैंक यू।